हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फाइनली अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, वो भी बहुत अच्छी जगह हल्द्वानी से बहुत दूर देहरादून में हूँ आज मैं, और अपने एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ, फ्रेंड से दो तीन फ्रेंडों से मिलने आया हूँ। सो आज अपना सफ़र शुरू करते हैं देहरादून की गलियों से, और आज हम कहाँ जाने वाले हैं? FRI। तो फ्रेंड से मिलिए आप हमारे, बर्तन धो रहे। हेलो गाइस, सो अभी हम जाने वाले हैं FRI। आज का प्लान है FRI, उसके आगे कहाँ कहाँ जाएंगे आपको व्लॉग में दिखाते रहेंगे, सो बने रहिए इस व्लॉग में। तो अभी मैं अपने दूसरे फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ जो मेरा बहुत ही क्लोज और क्लासमेट है। सो अभी मैं यहाँ से जाने वाला हूँ क्लॉक टावर, और उससे आगे हम लोग रेंटल बाइक लेंगे, वहाँ से हम जाएंगे आगे। सो मैं अभी क्लॉक टावर में पहुँच गया हूँ, और मेरे सामने ही मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ है, बट उसे अभी आइडिया नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने मास्क लगाया हुआ है, तो वो समझ नहीं पा रहा है शायद मैं हूँ या कोई और है। समझ गया है, वो आ रहा है आगे। तो मेरे क्या हाल है? चल कहाँ चले, कहाँ चले बता। सारी काट कितने ही लग रहा हूँ, बहुत लग रहा हूँ। कॉलेज नहीं गया आज? हाँ कॉलेज नहीं गया। नहीं यार आज मन नहीं, तू आज तो कॉलेज जाता क्या भाई? कहाँ चल रहे हैं? सो फाइनली अभी हमने रेंटल बाइक उठा लिए तो पास में ही बल्लू पुर से, और इससे आगे भी तो प्लान बन रहा है कि हम लोग मसूरी जाएं। सो आज मौसम तो बहुत सुहाना है, तो आगे मसूरी जाते हैं। काफ़ी गर्मी भरा दिन है आज हमारा, और ठंडियों की रातें गुजार के आज हम मसूरी में। खूबसूरत वादियाँ मसूरी के रास्ते में पड़ती हैं, जो यहाँ पे ब्रिज है, ये देखो अपना भाई। शाम को हमारा नाइट आउट का प्लान है, पूरा मसूरी घूम
घूमेंगे बढ़िया करके, उसके बाद होटल लेंगे वहाँ, कैंपिंग करते हैं आज, कैंपिंग। हाँ कैंपिंग, राफ्टिंग वाफ्टिंग जितना था वो तो सब कर लेंगे आज एक ही दिन में। नहीं नहीं, राफ्टिंग वाफ्टिंग तो ऋषिकेश है यार। अच्छा ठीक, तो हम ऋषिकेश भी चलेंगे, अभी ऋषिकेश का पुल टूटा हुआ है ना। अच्छा, तो अभी वहाँ नहीं जा सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग ऋषिकेश भी जाएंगे। और अभी नेक्स्ट मंथ हमारा कहाँ का प्लान है? हिमाचल। हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। यस, थोड़ सा एफ पी तो गया बाहर में, बाकी पहुंच पूरी हो गई है। हिमाचल वाली आयुति की वाली, हिमाचल वाली आयुति की वाली, पहुंच गया कान मरा जाए हार जाए, और दे देंगे नौकरी तो लगनी है। 4,00,000 रुपये मतलब मेरे कोर्स में कितना खर्चा आ रहा है? मेरे कोर्स तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। हैं? मुझे 2,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिली है। पेपर क्वालिफाई करके? हाँ, कैट का। मैंने कैट का पेपर दिया था, थोड़ा स्कॉलरशिप उसमें मिल गया। पापा मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, उसमें मिल गया। और हमारे कॉलेज में क्या है कि दूर दूर स्कूल में स्थाई निवास में, तो उत्तराखंड का स्थाई निवास है मेरा, थोड़ा उसमें मिल गया। 2,00,000 का स्कॉलरशिप मिला तुम्हारे भाई को, तो ये 2,00,000 रुपये में उड़ाए जाएंगे 2 साल में। तो तेरा कोर्स कितने का बैठेगा ये? मेरा बैठेगा, मेरा 4.5 का कोर्स हो गया, 2,50,000 रुपये और मान लो रहना खाना तो। अभी भाई अपना सिंगापुर भी जाने वाला है। सिंगापुर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया करेंगे। सिंगापुर जाएंगे और सिंगापुरी लाएंगे और सिंगापुरी नूडल खाएंगे। भट्टी कहाँ है? अरे भट्टी तो छोड़ दो, पहले रास्ते से तो चल ले यार। वैसे हमको गाना गाते हैं, गाना 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 सुनाओ, गाना पेश किया जाए हमारी फैमिली के लिए। गाना बताओ कौन सा? यूट्यूब फैमिली। हाँ पूरे 200 लोग हैं। अपने औकात नहीं है। बाबा बाबा, ओ हो,
ये क्या मिला हमें। जाएगा नीचे नहाने। क्या व्यू है यार पहाड़ों का, मजा आ गया। बारिश आने वाली है अब। ये देखो वहां से पहाड़ों से स्रोतों से पानी आ रहा है। फॉल अभी हम लोग, अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग कैंपटी फॉल भी जाएंगे। तैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। सो फाइनली 4-5 किलोमीटर रह गया, अब हम लोग मसूरी पहुंचने वाले हैं। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मौसम जो है, कहीं पे बारिश आने वाला हो रहा है, कहीं पे धूप आई हुई है, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ। जैसे कि यहाँ पे अभी फुल बारिश आने का मौसम हो रहा है। सो बारिश मुझे लग रहा आ ही जाएगी आज, ऐसा हो ना हो हम भीग जाए। तो ये देखिए गौरव भाई की रील की शूटिंग चल रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग मसूरी पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और व्यू तो आप देख ही रहे हैं कितना मस्त आ रहा है। यहाँ पे सारा फॉग ही फॉग हो रखा है और मसूरी में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बट हमें ठंड बहुत लग रही है, जैकेट वगैरह लेनी पड़ेगी। और आगे एंजॉय करते हैं। और बारिश का भी मौसम हो रहा है यार, बारिश तो रास्ते भर हमें परेशान। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आपको तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि हम कल रात को ही वापस आ गए थे मसूरी से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और रहने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोग रात पे वापस आ गए और बारिश में भीग गए थे। तो मैं बीमार हो गया था, रात को कुछ शूट नहीं कर पाया, तो इसलिए नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।